स्टाम्प प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी अब लापता हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंजरी लापता हो गई है। दरअसल वो शिफाली के साथ मंदिर जा रही थी, रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई तो मंजरी बाहर देखने लगी। उसे अचानक से आग दिखाई दी तो उसे याद आ गया, वही पुरानी याद कि वो आग में कैसे फंसी थी और वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गई। शिफाली गाड़ी ठीक करने के लिए गाड़ी से उतरती है। मंजरी एकदम अजीब सा फील करने लगती है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर कहीं चली जाती है। जब शिफाली गाड़ी में वापस देखती है तो वो देखती है कि मंजरी वहाँ नहीं है। शिफाली एकदम परेशान हो जाती है, वो उसे सब जगह ढूंढती है लेकिन उसे मंजरी कहीं नहीं मिलती। मंजरी गाड़ी से उतरकर कहीं पहुँच गई है, वो पैदल पैदल न जाने कहाँ जा रही है। उसे बार बार वही सब चीज़ें याद आ रही हैं। उधर दूसरी ओर शिफाली बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत अक्षरा अभिमन्यु के पास पहुंचती है। उन्हें वो सारी बातें बताती है और कहती है कि मंजरी चाची पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तीनों मिलकर फिर मंजरी को ढूंढने लगते हैं, इधर उधर पूछताछ करने लगते हैं। मंजरी की फ़ोटो फ़ोन में सबको दिखाई जाती है लेकिन मंजरी का कहीं भी पता नहीं चलता। अभिमन्यु भी मंजरी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। सब मिलकर मंजरी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। मंदिर में भी अक्षरा पंडित से पूछती है लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता। इन शॉर्ट, मंजरी का अब कोई अता पता नहीं है। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ पूरा परिवार मंजरी के लापता होने से परेशान है, वहीं दूसरी ओर मुस्कान अबीर के साथ गाड़ी में से कहीं जा रही होती है, तब उन्हें रास्ते में मंजरी दिखती है। और अबीर ये बात मुस्कान से कहता भी है कि मैंने दीदा को देखा है, लेकिन मुस्कान गाड़ी नहीं रोकती। अबीर मंजरी को आवाज़ भी लगाता है लेकिन मंजरी तक अबीर की आवाज़ नहीं पहुंचती। यही बात अबीर सबके सामने कहता है कि भूमि, मैंने आपसे कहा था कि मैंने दीदा को देखा है, आपने मेरी बात नहीं सुनी, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए थी। मुस्कान ने जानबूझकर ऐसा किया है। अक्षरा को तब बुरा लगता है। अक्षरा अबीर की तरफ देखती है और सोचती है मुस्कान को इतनी क्या नफरत हो सकती है मंजरी माँ से। यही बात वो मुस्कान से कहती भी है कि क्या ये सब नफरत की वजह से हो रहा है मुस्कान। मुस्कान कहती है नहीं, नफरत नहीं, ये तो प्यार की वजह से हो रहा है। मुस्कान का मतलब उसका अपने भाई की तरफ प्यार से है। आजकल जो कुछ भी मुस्कान गलत करती है उसका घुमा फिरा के ब्रेम अभिनव पे ही डाल देती है। इस सब के बाद आखिर क्या होगा मुस्कान का और क्या होगा कायरव और मुस्कान के रिश्ते का, जो आजकल एक बहुत ही कच्ची दौर से गुजर रहा है। मंजरी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अभिमन्यु अपने आप को बहुत गिल्टी ठहरा रहा है, इस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहता है और ये बात वो अक्षरा से शेयर भी करता है। अक्षरा उसे समझाती है अच्छे से और फिर उसी के साथ उसके घर भी जाती है। मंजरी माँ को एक प्यारा सा गाना सुनाती है अपनी प्यारी आवाज़ में, और मंजरी माँ जो एकदम घबराई हुई होती है वो फिर अक्षरा के प्यारे से गाने को सुनकर सो जाती है। ये सब फ़िलहाल अभी सीरियल में दिखाया जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ हर अपडेट आपको सीरियल से पहले मिलेगी।